की बातों पे उलझा ऐसा वही जी भाई, भाई रोबोट वाली पिक्चर भाई यार क्या तेजाब था वो भी यार <laughs> मुझे नहीं यार पसंद नहीं आया सुन ठीक थी यार मतलब देखो मैं अच्छी पिक्चर नहीं बोलूंगा मैं बहुत okay. ज्यादा इंटरटेन नहीं हुआ ठीक है ओके okay. और बोल याद भी आखिरी में लिखा टू बी टू बी कंटिन्यू देख भाई जो देख कौन रहा इसको यार मतलब मैं ऐसा बोलूंगा ना कि जैसे एक मूवी बनाते हो आप ठीक है या तो मूवी आपको एंटरटेन करे ठीक है या मूवी मतलब आपको बिठा के रखने की कोई तो वैल्यू देनी चाहिए ना पिक्चर में ठीक है मूवी में मतलब मूवी आपको कुछ भी नहीं करती है भाई वो इंपॉर्टेंट कुछ, कुछ, कुछ तो फील कराए इंपोर्टेंट जब सवाल आते हैं ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही काट देती है पिक्चर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि यह देखो कि भाई जो क्रिएटर्स डायरेक्टर हैं जो बेच रहे हैं चीजें उस पर ध्यान दू क्योंकि जो चीज नहीं है वो तो मेरे डिल्यूजन है ना कि भाई मुझको ये ये ये, ये चीजें चाहिए उसमें जो कि, जो कि यह अच्छी बात नहीं है नहीं, नहीं।, हाँ, नहीं।, हाँ, नहीं। ये, ये नहीं। देखना नहीं। है कि भाई वो बेच क्या रहे हैं। लेकिन जब आप इंतजार करते हो ना कि ओके ठीक इस कॉन्वर्जेशन के बाद अब ये जरूरी सवाल यहाँ पे आएगा एक्चुअली में ह्यूमन और रोबोट का जो जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर बात करना या फिर किस तरीके से कन्विंस करेंगे ठीक ना मैं जो थरक, तो, उसकी ठरक ही खत्म नहीं हो रही है मैं वो भाई, भाई वो मैं, मैं टीजर ट्रेलर रिएक्शन सब जगह डिल्यूजनल रहा हूं पिक्चर देखते समय डिल्यूजनल रहा हूं मैं ठीक है लेकिन रिव्यू मैंने सीरियस किया Okay. क्योंकि मैं एटलीस्ट आप थोड़ा सा तो भाई एक्सपेक्ट करते हो कि ना भाई थोड़ा सा तो एड्रेस करो आप चीजों को आखिरी में उसने मारा वहीं पे कहानी कट हो गई वही वही वो लास्ट के दो डायलॉग थे उसके जानवी कपूर के साथ तो वही है पिक्चर का मैसेज भाई वो तो जरूरत से ज्यादा डाल दिया था उन्होंने पता नहीं, नहीं, क्यों। नहीं क्यों मैं तो देख रहा था कब खत्म होगा ये है यहाँ पे तो वही ना उन्होंने सोचा कि यार अपन कुछ मैसेज नहीं दे रहे अपन स्टोरी का कंक्लूजन नहीं दे रहे लोग क्या सीख के जाएंगे तो इसीलिए उन्होंने दो लाइन वहां पे ऐसा फाल कि भाई, भाई। कितना भी अच्छा हो जाए। प्रूफ जब वो नहीं उसकी लाइट वीडी जलने लगती है वो झाला उला लगा रहा होता है ऐसे मैं वहां थक गया था वहां पे उस सीन पे कि भाई ये कुछ कर नहीं रहा है पिछले डेढ़ घंटे से इनका टिटिलेटी हो रहा है मामला छेड़ा छाड़ी करते है ना वो हाँ क्या चीज

जो आगे उसका आने वाला है शॉर्ट सर्किट वाला उसके लिए वो एक छोटा सा ऐसे सॉफ्ट ग्राउंड दे रहे थे वो हाँ, पर ये देखो ये वो पता है मैं मैं मतलब अग्री कर तुम्हारी बात से बट वो इसलिए रखा था वो कि छोटे टाइम के लिए ऐसा वो इंटेंसिटी वाला स्पैक दे दी कि ओमर गॉड अब क्या होगा और आ, बट वो ग्रेटर स्टोरी में कुछ भी, भी लेकिन मैं ये ये बात बोलूंगा क्या लग रहा है भाई यार मैं एक तो ये हैंडल किया हुआ उसका भाई भाई शु, में था पिक्चर शुरू तो से जो बीस फीट के पर्दे पे देखा मैं बस किसको ना प्यार हो जाए आई अंडरस्टैंड यू शाहिद कपूर ठीक है किसको ना हो जाए ठीक है अभी वो हो गया उसका जब वो गाना आता है धक 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 करने लगा तभी तो तभी तो मैं सोचा मुंह खुला खुला ऐसे देखने देख तभी तभी तो जो, तो जो, जो बंदा भाई लड़कियों को डेट नहीं कर रहा है तुरंत तुरंत अमेरिका मिलने के बाद शादी शादी ठीक है से और वो उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह भी वैसी करी होती है ना पूरी कि वो सारी वही चीजें पसंद है उसके बारे में सब पता होता है उसको पहले से और खुद की जरूरत होती नहीं है तो इसलिए वो उसका समझ के लेती है पूरा ऐसा एग्जैक्टली और देखो भाई ऐसी मासी तो मैं भी एक डिजर्व करता हूँ मुझ अच्छा, सुनो ना भाई मास... और जैसी मासी चीज नहीं 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 सुनना भाई जो मासिक मासी की भी नियत मुझको सही नहीं लगती है जो अटेंशन टू डिटेल दिए उन्होंने अंदर बाहर पूरी ये ये काफी कंसर्निंग चीज है इतनी डिटेल इतनी डिटेल रोबोट में कौन देता है अरे तो उनको रियलिस्टिक बनाने थी वही ना उनको बेचना है भाई रोबोट रोबोट मतलब देखो उनको ऐसा बनाना था कि इंसान इंसान अंदर घुस जाए फिर भी पता ना चले कि रोबोट है या पूरी तो, करनी चाहिए खाना यहाँ स्टोर करती थी नीचे जो आएगा वो खाना वो भी वही उसी में उसी ट्रे में बात फिर भाई वो वो बता कुछ बता कुछ इनसाइडर जोक्स थे थोड़े बहुत मुझको बहुत हिट की काफी अच्छा लगा सुनने में ना जैसे कि वो जो नहीं पहली रात बिताने के बाद पूछ रहा था कि तुम फ्री नहीं लग रही थी तो वो लीग मेरा पहली बार है फिर शायद कपूर दो सेकंड के पॉज लेकर अच्छा <laughs> क्या भाई लगा तो नहीं ये पहली बार जैसा था मैं क्या भाई <laughs> कोई बात नहीं वो वहां पे मैं ऐसा और, और भी और ऐसे कुछ सीन्स थे उसमें आ, एक तो पूरा सावधान इंडिया बना दिया था उन्होंने ठीक है देवर भाभी वाला <laughs> <ना>। <laughs> वो भाई वो भी बहुत अच्छा लगा था मुझे क्या भाई ये तो रोबोट है मुझे पता चल गया वो भी लगा हुआ है कि यो ठीक है भले आप भी तो मेरा एक्सबॉक्स खेलते हो अच्छा मैंने कहा ये साला है मैंने एक्सबॉक्स से कंपैरिजन चल रहा है इसका

भाई यार भाई अपना यार चिट्टी रोबोट देख रहा होगा कि यार मिस्टेक हो गई अपने से मिस्टेक हो गई यार अपने से मिस्टेक हो गई जो फालतू में अपन सना के पीछे पड़े हुए थे यार इधर ऐश्वर्या निकल गई भाई ऐश्वर्या किसी को मिली है जो आज तक मिलती चिट्टी को भाई जान से वो अच्छे से बता सकता तुम दोनों अच्छी नहीं लगी बट मेरे को अच्छी लगी वो क्या चीज like है? क्या चीज क्या मैं मैं भी मैं भी वीडियो पोस्ट करने वाला देख रहा हूं कि सब गाली दे रहे हैं लेकिन मेरे को गाली अच्छा। नहीं दे रहे मतलब वो ऐसा है ना, ना कि वो अब जैसे मैं मैं भी डिल्यूजंस में ही देख रहा था मैं जो कोई उम्मीद उम्मीद नहीं थी ऐसे घर वाले पूछते हैं ना कि आज कौन सी पिक्चर लगी हुई? क्या मतलब अच्छी पिक्चर है मैं नहीं है तो मैं जान रहा था क्या है ठीक है तो मैं लेकिन फिर भी वो इंप्रेस नहीं कर पाई जो बेसिक सवाल भी होते हुआ कि भाई यार, थोड़ा तो आप करते ही ना ही मैं हो ना मैंने जैसे मैंने उसका कुछ नहीं देखा था टीजर ट्रेलर गाने वाने कुछ नहीं देखा सिर्फ इतना पता था कि कृतिस रोबोट होगी भाई यार क्यों इस में अच्छा तो काम किया उसने अरे भाई भाई तो ख्वाब लग रही थी लेकिन यार वो जो प्रोजेक्ट यूज़ भाई पिक करती है ना विजनरी और ना। वही मतलब मैं, मैं भी जैसे में भी वही कि उन्होंने अच्छा लिया बट उसको वही फिर जो एक अपन देखते आ रहे थे अतरंगी सा रिएक्शन तुम्हारा मेन कैरेक्टर बचाने की कोशिश कर रहा है वो उस ट्रैप में फंस के रह जाता है और मतलब जब मैं थिएटर से देख के निकला तो मैं खुश था ठीक है मेरा एक अच्छा टाइम गया बट लाइक like, मैंने लिटरली अपने होता जाता है तो जब पिक्चर के बारे में नहीं सोच रहे हो ज्यादा तो फिर ठीक है देख लिया वो मैटर करती है ना निकल गया किस टोन में आप बोल रहे हो कि आपको पसंद नहीं आई एक टोन होती है आदि पुरुष वाली और एक टोन होती है ये ये वाली आ, तेरी हाँ। बात में उलझा जिया इसमें बोलते हो कि भाई अच्छी मूवी नहीं है और आदि पुरुष में तो भाई आप चढ़ जाते हो सीधे हाँ तो ये काफी टोन का भी अंतर है ऐसी बात नहीं है कि चल रही होगी टीवी पे तुम दस मिनट दे नहीं सकते उसको मे भी आधे घंटे तक बैठ के देख लो वही बात हो गई हाँ। कि वो टीयर लिस्ट में नालायक वाली और नफरत है तुमसे वाली ऐसा

जब वो नहीं वो फैक्ट्री में जाता है और एक रोबोट को बोल देता है बेबी करके हीरो अपना हैरान कि बेबीट ठीक है वो तो ए आई कोड कोडोड लिखा हुआ है फिर बाद में वो बताता है वो कितना अकेला पड़ चुका था वो उसका ख्याल रखती है साथ देती है वो मरी भाई यार आंसू निकल गया बंदे के, के भाई वो मरने के लिए वहीं पे तैयार है भाई रोबोट मरी है ये नहीं कि उसका एक चिपुप निकाल किसी और मर वो वहीं मरने के लिए तैयार है उसमें एक बहुत क्रिएटर में बहुत खूबसूरत डायलॉग है कि जब एक रोबोट का बच्चा इंसानी बच्चा मर जाता है तो उस रोबोट को इतनी तकलीफ होती है कि वो खुद को स्विच ऑफ कर लेती है जो कि इक्विवेलेंट है ख़ुद को अनलाइव करने के और जब आप सोचते हो ना कि भाई यार एक्चुअली में इन रोबोट्स के साथ कुछ स्पेशल बात है इन ए आई रोबोट्स के साथ ये ये होते कुछ बेसिक से सवाल पूरे पिक्चर में नहीं किए जा रहे हैं कुछ ही ऐसे सीन्स होंगे जो कि बहुत हिट करते हैं इस मूवी में तो कुछ भी नहीं है कुछ नहीं यार वो डेढ़ घंटे अगर तू तो तो देखते भी हो ना जैसे बेसिक जैसे एक्सबॉक्स खेलने वाली बात है अरे एक्सबॉक्स खेलने वाली बात भी है जैसे और अभी जैसे क्या है एक रोमांटिक स्टोरी होती है ठीक है हाँ। तो इंसानों के बीच में तो उनके बीच में आपस में बैंटर होती है हुँ. और उनकी केमिस्ट्री दिखाई जाती है वो एक नॉर्मली बात करते हैं, कर हैं तो इसमें आपको ये देखने को नहीं मिलती क्योंकि है ना, वो, तो एक है। तो आपको वो बैंटर भी देखने को नहीं मिलता तो वो जो रोमांटिक कॉमेडी या रोमांटिक रॉम कॉम वाली फील है वो भी पिक्चर में वो पिक्चर से क्योंकि ये पता है रोबोट और ह्यूमन वाला जो रिलेशनशिप है ये बहुत डिप्रेसिंग जो रहा है कि भाई एक इंसान को यहाँ पे जाना पड़ गया क्या ही बात हो गई होगी और इस पर इन्होंने रोमांटिक टेक रोमांटिक कॉमेडी टेक लिया जो कि एक्चुअली में काफ़ी एक्साइटिंग पॉइंट था कि क्योंकि अपन ने ऐसे कभी देखा हुआ नहीं था लेकिन वही है ना कि मूवी के पास बेचने के लिए बहुत कुछ है नहीं शादी वाले मोमेंट तक भी बस डिटेलेट कर रहे हो आपको और सेम चीज़ कितना देख मैं खुश हूँ वहाँ पर